एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का वेलकम है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। रिफ्लेक्स एक्शन ये टॉपिक जो है वो नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम में ही आता है। और इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका फिगर कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअल में कैसे समझा जाए। स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब ये हुआ कि देखिए, हमारी बॉडी में है ऐसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जिनमें तुरंत हमें रिस्पांस करना होता है, तुरंत रिस्पांस करना होता है। जैसे कि अगर हमारा हाथ किसी गर्म चीज़ पे पड़ जाता है तो हम बिना समय को, बिना टाइम को लॉस किए, हम तुरंत अपने हाथ को उस गर्म चीज़ पे से हटा लेते हैं। तो यही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब हमारी आँखों के सामने कोई चीज़ अचानक से आती है तो हम अपनी आँखों को बंद कर लेते हैं, यही क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। यानी स्टूडेंट्स, बॉडी में ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिनमें इनपुट पे प्रोसेस करके आउटपुट देना तुरंत बहुत ज़रूरी होता है। उसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, रैपिड होना चाहिए, ऑटोमेटिक होना चाहिए। तो ऐसे जो भी फंक्शंस होते हैं वही क्या कहलाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहलाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पता होगा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, जब हम लोग नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट्स, मैंने उसमें बताया था उस वीडियो में आपको कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसमें बॉडी के दो ऑर्गन्स आते हैं, एक तो ब्रेन आता है और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। फिर मैंने आपको ये बताया था कि यूजुअली होता क्या है कि जब कहीं से कोई स्टिमुलस डिटेक्ट किया जाता है तो वो स्टिमुलस सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू जाता है, कहाँ पर, ब्रेन में जाता है। और रास्ते में यानी उसके बीच में पड़ता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड पड़ता है। तो वो जो यहाँ पे स्टिमुलाई है, मान लीजिए ये स्किन है, तो स्किन पे जो स्टिमुलाई डिटेक्ट हुआ वो स्टिमुलाई सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू, सेंसरी नर्व फाइबर्स के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ ब्रेन तक पहुँचता है। ब्रेन जो है उस इनपुट या उस इन्फॉर्मेशन या उस स्टिमुलाई पे प्रोसेस करके उसका जो आउटपुट होता है वो क्रिएट करता है, और उस आउटपुट को जो है ब्रेन मोटर न्यूरॉन्स से वापस भेजता है, कहाँ पर, कंसर्न मसल्स में। ठीक है, और फिर बॉडी जो है उस आउटपुट के अकॉर्डिंग एक्ट करती है। ठीक है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस हुआ। लेकिन स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्स एक्शन में ये जो पूरा पाथवे मैंने आपको समझाया यहाँ पर, ये पाथवे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेगा, इस पाथवे में थोड़ा सा वक्त लगता है कि स्टिमुलस स्किन से रिसीव हुआ, उसके बाद फिर वो सेंसरी न्यूरॉन उसको लेकर जाएगी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक, फिर ब्रेन उस पर प्रोसेस करेगा, आउटपुट क्रिएट करेगा, आउटपुट वापस आएगा मोटर न्यूरॉन से, और उसके बाद वो फिर जो है मसल्स में पहुंचेगा, फिर मसल्स एक्ट करेगी। तो ये जो इतना पूरा प्रोसेस है इसमें टाइम लगेगा, और इसमें टाइम जो लगेगा उतना टाइम उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए ज़्यादा है। यानी कि जैसे कि हमारा हाथ, मैंने फिर से आपको बताया कि मेरा हाथ जैसे किसी गर्म चीज़ पे पड़ गया, तो अब गर्म चीज़ पे पड़ने के बाद मेरा हाथ जो है, अब अगर जो है उस स्टिमुलाई का जो आउटपुट है वो ब्रेन क्रिएट करे और ब्रेन उस पर आउटपुट वापस से भेजे हमारी हाथों की मसल्स में, तो इस टाइम, इस पूरे प्रोसेस में टाइम लग जाएगा, और अगर टाइम लग जाएगा तो हमारा हाथ जो है वो जल जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में रिफ्लेक्स एक्शन होता है। रिफ्लेक्स एक्शन में दरअसल होता क्या है कि ब्रेन जो होता है वो प्रोसेसिंग नहीं करता, बल्कि प्रोसेसिंग कौन करता है, प्रोसेसिंग करता है स्पाइनल कॉर्ड। कौन, स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड जो होता है वो ब्रेन का काम करेगा। वो ब्रेन तक मैसेज को नहीं जाने देता, उस स्टिमुलस को ब्रेन तक, इनपुट्स को, इनपुट मैसेज जो मैसेजेस होते हैं वो ब्रेन तक नहीं जाते, बल्कि वो स्पाइनल कॉर्ड तक ही बस जाते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड उन इनपुट्स पे क्या करता है, प्रोसेस करके आउटपुट दे देता है, और वो आउटपुट जो है वो वापस से कंसर्न या रिलेटेड मसल्स तक पहुँचता है, और हम अपने हाथों को उस गर्म चीज़ से हटा लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि रिफ्लेक्स एक्शन में जो डिस्टेंस होती है उसको कम कर दिया जाता है।
ठीक है ना, क्योंकि ब्रेन जो है वहाँ तक मैसेज का जाना, फिर ब्रेन से प्रोसेस होकर आउटपुट का आना, ये काफ़ी लंबी डिस्टेंस है, इसमें टाइम लग जाएगा और रास्ते में ही पड़ेगी स्पाइनल कॉर्ड। तो इसलिए स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि जब किसी स्किन से या किसी भी बॉडी के पार्ट से कोई स्टिमुलस आता है जो कि रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड है, तो स्पाइनल कॉर्ड उस रिफ्लेक्स, उस स्टिमुलस को ब्रेन तक नहीं जाने देता, उसको खुद ही प्रोसेस करके उस पर आउटपुट दे देता है और वो आउटपुट जो है वो कंसर्न मसल्स तक पहुंचता है तुरंत, और फिर कंसर्न मसल जो होती है यानी रिलेटेड मसल जो होती है वो उस पर एक्ट करती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो यही है रिफ्लेक्स एक्शन, आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखा गया है, मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन इज़ ए रैपिड ऑटोमेटिक एक्शन कैरीड आउट विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द विल ऑफ द एनिमल। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द विल ऑफ द एनिमल। साइंटिस्ट मार्शल हॉल, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट लिखी है इस नोट में, मार्शल हॉल साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन प्रोसेस को 1833 में डिस्कवर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइंटिस्ट मार्शल हॉल फर्स्ट ऑब्जर्व द रिफ्लेक्स एक्शन प्रोसेस इन द ईयर 1833। आगे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन द इम्पल्स ट्रेवल्स थ्रू ए पार्ट नोन एज रिफ्लेक्स आर्क। अब ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है रिफ्लेक्स एक्शन वाला हमारे BSc एग्जाम्स में, तो हमें एक डायग्राम बनाना होता है, वो डायग्राम मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उस डायग्राम में हम दिखाते हैं कि कैसे जो डिस्टेंस होती है, जो पाथवे होता है, जो रास्ता होता है, उसको शॉर्ट कर दिया जाता है ताकि तुरंत इनपुट पे आउटपुट मिल सके और टाइम बच जाए और उससे जो है हाथ हमारा जलने से बच जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उस पूरे पाथवे को, वो जो ट्रैवल जिस पाथवे से इम्पल्स ट्रैवल करती है रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान, उस पाथवे को ही हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। तो ए रिफ्लेक्स आर्क कंसिस्ट ए सेंसरी और अफरेंट न्यूरॉन एंड इंटर न्यूरॉन प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड ए मोटर ओवर और डिफरेंट न्यूरॉन। ठीक है ना, तो स्पाइनल जो ये रिफ्लेक्स आर्क है इसमें दो तरह की न्यूरॉन्स होती हैं, एक अफरेंट न्यूरॉन होती है और एक इफरेंट न्यूरॉन होती है, और बीच में एक और न्यूरॉन होती है जिसको इंटर न्यूरॉन कहते हैं। तो दरअसल न्यूरॉन्स क्या है, पाथ है, एक केबल है, रास्ता है, जिनके थ्रू मैसेजेस जो होते हैं वो स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचते हैं और वापस से स्पाइनल कॉर्ड उस मैसेज पर प्रोसेस करके आउटपुट दे के वापस से उनको कंसर्न मसल्स तक पहुँचा देता है, ऑर्गन तक पहुँचा देता है। द अफरेंट न्यूरॉन इज प्रेजेंट टू द रिसेप्टर सच एज स्किन एंड द इफरेंट न्यूरॉन इज कनेक्टेड टू द इफेक्टर्स, ठीक है, सच एज मसल्स वर और ग्लैंड्स। ठीक है, आगे के डायग्राम में मैं इसको अभी आपको समझाता हूँ। आगे स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। मैंने आपको ये बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई कि रिफ्लेक्स एक्शन के काम को स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है, वही इसको कंट्रोल करता है, ब्रेन नहीं कंट्रोल करता, ब्रेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ब्रेन तो अल्टीमेट है, ब्रेन तो लास्ट में है, ब्रेन तक मैसेज जाएंगे तब तक तो देरी हो जाएगी जब तक ब्रेन उस पर प्रोसेस करके इनपुट देगा, इसलिए डिस्टेंस को शॉर्ट कर दिया जाता है और बीच रास्ते में मौजूद स्पाइनल कॉर्ड ही उस पर ब्रेन की तरह से एक्ट करके उस इनपुट पे, उस स्टिमुलाई पर प्रोसेस करके उस पर आउटपुट क्रिएट कर देता है। यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन के काम में जो कंट्रोलर है वो कौन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ना कि ब्रेन है। ठीक है ना, ब्रेन से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्टूडेंट्स लास्ट जो पैसेज यहाँ लिखा है वो मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, द स्टिमुलस डिटेक्टेड बाय द रिसेप्टर पासेज इनटू द सेंसरी और अफरेंट न्यूरॉन, दिस इम्पल्सेज इंटर द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू द डॉर्सल रूट एंड इनिशिएट इम्पल्स इन द इंटर न्यूरॉन। फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड द इम्पल्स इज कैरीड थ्रू द वेंट्रल रूट एंड, और एंड के बाद लिखा हुआ है, ट्रैवल अलॉन्ग द इफरेंट ORR मोटर न्यूरॉन फाइब्रिल टू रीच द इफेक्ट ORR organs। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो दो तरह का होता है, एक सिंपल और एक एक्वायर्ड। सिंपल क्या है, सिंपल का मतलब है अनकंडीशनल, इनबॉर्न, अनलर्न, यानी कि जब कोई बच्चा पैदा होता है, कोई एनिमल पैदा होता है तो बाई बर्थ जो उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शन, बाई बर्थ जो उसके अंदर रिफ्लेक्स एक्शंस पाए जाते हैं, जैसे कि वो अपनी आँखों को जो है बंद कर लेता है जब कोई चीज़ उसके सामने आती है अचानक से, तो अपनी आँखों को बंद कर लेता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी आँखों के करीब में आता है तो अपनी आँखों को सडनली क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। ठीक है ना, या फिर गर्म चीज़ पे हाथ पड़ता है तो हाथ हम हटा लेते हैं, या हमें छींक आती है, हमें खांसी आती है,
ठीक है, नी जर्क रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास ट्वेल्थ में पढ़े होंगे कि जब हम अपने हमारा जो घुटना होता है, घुटना हमारे पैरों का जो नी होता है उस पर एक जो पटेला बोन होती है, उस पटेला बोन पे अगर हम एक रबर की जो रबर की एक जिसको हिंदी में बोलते हैं हथौड़ी, उससे अगर हम मारते हैं तो हमारा जो नीचे वाला जो पैर है वो आगे की तरफ जो है झटके के साथ आगे की तरफ मूव करता है। ये क्या है? ये नी जर्क रिफ्लेक्स है। ये भी क्या है? सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट का हमारी आंखों के पास सडन आ जाना, छींकना, खांसना, ठीक है ना, गर्म चीज़ पे हाथ पड़ने पे हाथ का हटा लेना, तो ये जो सारी चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ें हमें कोई सिखाता नहीं है, बल्कि ये चीज़ें जो होती हैं ये अनलर्न होती हैं, ये हम सीखी सिखाई रहती है, ये इनबॉर्न होती है, यानी पैदाइशी होता है, बाय बर्थ ये सारे जो एक्शंस होते हैं वो हमें आते हैं, हम इंसानों को आते हैं, हमें कोई बताता नहीं इन चीज़ों के बारे में, कोई सिखाता नहीं है ना, ये किसी एक्सपीरियंस से डेवलप नहीं होते हैं बल्कि ये बाय बर्थ होते हैं। तो बच्चों बस सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन वही है, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन में इस नोट्स में यही लिखा हुआ है कि सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन अनकंडीशनल होता है, इनबॉर्न यानी बाय बर्थ होता है, अनलर्न यानी इसको कोई सिखाता नहीं है, वो पहले से ही होता है, ठीक है ना, हमारी हैबिट में होता है, बाय बर्थ होता है, और एग्जांपल्स लिए वही लिखे हुए हैं जो मैंने अभी आपको बताया। कुल मिला जुला के सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो क्विक होते हैं और फास्ट होते हैं, और वो शॉर्टेस्ट रूट को जो है फॉलो करते हैं जिससे कि क्विक रिस्पांस आए, और सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन वो मोस्टली प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, ठीक है ना। अक्सर ये सारा काम जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं, बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। गर्म चीज़ पे हमारा हाथ पड़ा है तो हम अपने हाथ को हटा ले रहे हैं, ये क्या है? प्रोटेक्शन ही तो है ना बॉडी का। कोई ऑब्जेक्ट हमारी आंखों के सामने सडनली आ गया, हमने अपनी आंखों को बंद कर दिया, ये क्या है? प्रोटेक्शन ही तो है। तो सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं, यानी इनबॉर्न होते हैं, अनकंडीशनल होते हैं, अनलर्नड होते हैं, और वो प्रोटेक्शन ओरिएंटेड होते हैं, प्रोटेक्टिव इन फंक्शन होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब हम लोग एकदम नीचे देखिए, लिखा है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन। स्टूडेंट्स ऐसे बहुत सारे बॉडी में फंक्शन होते हैं, ऐसे बहुत सारे बॉडी में एक्टिविटी होती है जो कि हम बाय बर्थ हमारे अंदर नहीं होती, लेकिन पास्ट के एक्सपीरियंस से डेवलप होती है, इसी इन्वायरमेंट में रहते हुए पास्ट के एक्सपीरियंस से डेवलप होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि डॉग्स, हम लोग अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे डॉग्स जो होते हैं, कुत्ते जो होते हैं, वो हमारे आसपास कॉलोनीज़ में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। और अक्सर हम देखते हैं जब एक कोई छोटा सा पपी होता है, यानी डॉग का जो छोटा सा बच्चा होता है, ठीक है ना, वो हमारे आसपास घूमता रहता है, ठीक है। और उसके बाद उसको ये नहीं पता होता है कि जो इंसान होते हैं वो उसको मार भी सकते हैं, किसी छोटे से स्टोन को उठा के हम उसको मार भी सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग डॉग्स को स्टोन से मार देते हैं, ठीक है, जिससे उनको चोट लग जाती है। लेकिन जो डॉग का पपी होता है वो जब छोटा होता है तो उसको ये चीज़ नहीं पता होती है कि इंसान किसी स्टोन को उठाकर उसको मार भी सकता है, और वो इससे, क्योंकि उसके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं होता है तो वो इस चीज़ को नहीं जानता है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब उसके साथ ये एक्सपीरियंस फेस होता है उसके साथ, जब कोई इंसान उसको किसी दिन वो खेल रहा होता है किसी इंसान के आसपास, और हम किसी स्टोन को उठा के उसको मार देते हैं, तो एक बार, दो बार, तीन बार, और जैसे जैसे जो है कई बार यही काम, यही एक्टिविटी रिपीट होती है, तो अब उस कुत्ते के बच्चे को, उस पपी को जो है इसका एक्सपीरियंस हो जाता है। फिर आगे क्या होगा? आगे ये होगा कि जब वो बड़ा हो जाएगा या कुछ वक्त बाद हम देखते हैं, अगर वो पपी थोड़ा दूर ही खड़ा हुआ है और वो हमको देख रहा है, और हमने केवल मारने के लिए नहीं, केवल हम ऐसे ही झुक जाते हैं ज़मीन पे, ऐसा बिहेव करते हैं कि हम स्टोन उठा रहे हैं मारने के लिए, केवल हम झुक जाते हैं ज़मीन पे उसको देखते हुए, तो वो पपी तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वो भाग क्यों गया? वो इसलिए भाग गया क्योंकि उसको एक्सपीरियंस हो गया है पास्ट से, वो पास्ट के एक्सपीरियंस से उसके अंदर एक कंडीशनल रिफ्लेक्स डेवलप हो गया है, और वो जैसे ही देखता है कि इंसान झुक रहा है तो उसको लगता है कि अब ये मुझे स्टोन उठा के मारेगा, तो उसके जो पैर, उसकी जब आँखें इस चीज़ को देखती हैं तो उसका एक स्टिमुलाई उसके बॉडी के अंदर एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन की फॉर्म में जो है डेवलप होता है, और वो तुरंत उसके जो पैरों की जो मसल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि ये कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है, ये कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन है, और ये पास्ट के एक्सपीरियंस से डेवलप होता है, ट्रेनिंग से डेवलप होता है, ठीक है ना, लर्निंग से डेवलप होता है। तो पास्ट का एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, लर्निंग, इन सब के थ्रू एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप होते हैं, ठीक है ना।
और सबसे पहले एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन का जो एक्सपेरिमेंट था वो जिस साइंटिस्ट ने किया था उनका नाम था पावलाव, बहुत इंपॉर्टेंट है, इवान पेट्रोविच पावलाव, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने डॉग के ऊपर ही जो है एक एक्सपेरिमेंट किया था एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन का, जिसमें क्या होता था, वो घंटी बजाते थे और जब फूड आता था तो वो घंटी बजाते थे, और घंटी बजाते थे जब वो जब उस बेल को बजाते थे तो वो जो डॉग होता था उसके माउथ से जो है सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता था, जो क्योंकि उसको भूख लग जाती थी। तो ऐसा वो कई बार किए और उसके बाद जो है फिर वो फूड को हटा लिए और केवल घंटी बजाते थे तो भी जो है उस डॉग के मुंह से सलाइवा का सिक्रीशन होने लगता था, क्योंकि डॉग को लगता था कि घंटी बज रही है तो अब मुझे फूड मिलेगा, ठीक है ना। तो एक तरह से क्या हुआ, लर्निंग हुई, एक तरह से लर्निंग हुई, ट्रेनिंग हुई, उसके बाद ये एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन उसके अंदर डेवलप हुआ। किसके अंदर, डॉग के अंदर। किसने किया था, पावलाव नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ओके स्टूडेंट, इसके अलावा भी कुछ और भी दूसरे एग्जांपल्स होते हैं जो एक्वायर्ड रिफ्लेक्स एक्शन के होते हैं, जैसे डांसिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, ड्राइविंग हो गई। तो ये सारे भी क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं किसके, रिफ्लेक्स एक्शन के। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम बना हुआ है, मैं इस डायग्राम को आपको दो मिनट में बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में बस रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बताया जा रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, ये है रिसेप्टर ऑर्गन, ये क्या है, ये है रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है ना। यहाँ से कोई स्टिमुलाई यानी कि कोई रिस्पांस क्रिएट हुआ, कोई इनपुट क्रिएट हुआ बॉडी में, तो वो इनपुट जिस न्यूरॉन के थ्रू जा रहा है उसको बोलते हैं अफरेंट न्यूरॉन, और ये अफरेंट न्यूरॉन जो है वो उस इनपुट को लेके जा रही है। ये क्या है, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। तो वो जो रिसेप्टर ऑर्गन है, उस रिसेप्टर ऑर्गन से जो इम्पल्स है, जो स्टिमुलाई है, वो अफरेंट न्यूरॉन से होता हुआ, अफरेंट न्यूरॉन के थ्रू जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, वो जा रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, यहाँ पहुँच गया। अब स्पाइनल कॉर्ड में इंटर न्यूरॉन है, तो इंटर न्यूरॉन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेसिंग के टाइम या प्रोसेसिंग वाले एरिया में मौजूद होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड क्या करेगा, इस इनपुट पे, ये जो इनपुट गया है इस इनपुट पे प्रोसेस करेगा और एक आउटपुट क्रिएट करेगा। उस आउटपुट को एक दूसरी न्यूरॉन, जो यहाँ पे ब्लू से आप देख रहे हो, जिसको कि लिखा हुआ है इफरेंट या फिर मोटर न्यूरॉन, तो इफरेंट या मोटर न्यूरॉन जो है उस आउटपुट को, उस रिजल्ट को लेके आएगी, कहाँ पर आएगी, कंसर्न मसल में लेके आएगी, मसल में लेके आएगी, और मसल्स जो होती हैं वो तुरंत एक्ट करेंगी और हम अपने हाथ को उस गर्म चीज़ से हटा लेंगे। मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर एक पाथवे जो बन रहा है, एक जो शॉर्टेस्ट पाथवे बन रहा है, ये इस तरह गया और फिर ऐसे घूमते हुए फिर ये आ गया। तो ये जो पूरा एक प्रोसेस बना, ये जो पाथवे बना, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, रिसेप्टर ऑर्गन से इनपुट आया और आने के बाद ये आया स्पाइनल कॉर्ड में, और उसके बाद फिर स्पाइनल कॉर्ड्स के इफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू आउटपुट जो है वो इनपुट आया और आउटपुट वापस से जो है रिसेप्टर ऑर्गन में चला आया। यही जो प्रोसेस है इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं इसकी नोट्स आपको PDF की फॉर्म में टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, जो भी मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको, और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए।